subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एसएमई पर हमारी खास पेशकश एसएमई कॉर्नर और वरुण और सोनम जुड़ चुके हैं तो आप समझ गए होंगे आज एसएमई कॉर्नर में राउंड अप का दिन है। वरुण शुरुआत आपके साथ, पहले तो बताएं जो तमाम रीसेंट लिस्टिंग्स हम बाबा कहते रहते हैं एसएमई बड़ा एक्शन दिख रहा है, क्या हाल है लिस्टिंग्स के? देखिए करक 11 लिस्टिंग्स हुई है मई के महीने में और इसमें से 4 कंपनीज ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 7 कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए। जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए उसमें सबसे आगे E2E नेटवर्क्स है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला था इस काउंटर को, 16.5% के आसपास के रिटर्न इसने कमा के दिए। मेगा स्टार फूड करीब 2% के आसपास के रिटर्न कमा के दिए, लेकिन एक स्टॉक इनोवेटर्स फसाट सिस्टम हम लगातार इसकी बात भी करते थे, फ्लैट सा रहा है ये। वहीं फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स नेगेटिव 5% रिटर्न और माइलस्टोन फर्नीचर इसकी सबसे बुरी हालत हुई है, 16% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न इसने किए हैं, यानी कि काफ़ी नुकसान इस स्टॉक में हुआ है लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स में फायदा भी हुआ है। तो मिक्स रुझान रहा है मोटा मोटी। अच्छा आगे बढ़ूँ उससे पहले एक IPO आने वाला है, उसकी डिटेल आपको दे देता हूँ। ये कंपनी है पाम ज्वेल्स, BSE पे SME प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, आज खुल गया है और ये 1 जून को यानी कि फ्राइडे को अब जो है वो बंद होगा। अगले 30 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस है। पाम ज्वेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2005 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि गोल्ड बेस्ड चेन्स ब्रेसलेट्स नेकलेसेस वगैरह बेचने का काम करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स करवाती है और फिर उनकी मार्केटिंग और सेल्स करने का काम करती है। लेकिन ये तो एक IPO का जो खुला है, आगे मोमेंटम आएगा लेकिन कई सारे ऑनगोइंग IPOs और भी हैं सोनम, है ना, बताएं। बल्कि कह सकते हैं कि SME प्लेटफॉर्म पर IPO की बारिश हो रही है। 8 IPOs है जो इस वक्त एक्टिव है मार्केट में, 2 नए हैं, काफी सारे लोग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, 2 नए हैं तो उस पर बात करूंगी। सोरेज फॉइल्स लिमिटेड, ये IPO 4 करोड़ का है, लगभग 24 मई को ये कल खुला था और बंद होगा मई 28 को। 16 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस है, 8,000 शेयरों का मार्केट लॉट है, NSE SME में लिस्ट होगी और ये कंपनी एल्युमिनियम फॉइल्स का काम करती है। दूसरी कंपनी है डीबॉक्स सेल्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड, इसका IPO भी कल खुला था मार्केट में और बंद होगा मई 28 तारीख को। लगभग 4.5 करोड़ का इशू साइज है, 20 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस है और 6,000 शेयरों का मार्केट लॉट है और NSE SME में लिस्ट होगी। ये कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड लग रहा है, जहां पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और साथ ही हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में है। तो ये 2 कंपनीज हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमने ऑलरेडी बात कर ली है सुमाया लाइफस्टाइल लिमिटेड की, यह IPO आज बंद हो रहा है। श्रीवासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, यह IPO भी आज बंद हो रहा है। इसके साथ 4 IPOs है जो अगले हफ्ते जारी रहेंगे, लैटिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अरियंत इंस्टीट्यूट लिमिटेड और अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। हाँ, ये अफोर्डेबल रोबोटिक्स मुझे बाबा याद आती है, पिछले हफ्ते सोमवार को बातचीत भी हुई है इस कंपनी के मैनेजमेंट से। तो ये है IPOs की आज की इस समय तस्वीर, IPO डायरी, IPO कैलेंडर कह लीजिए आप। लेकिन वरुण जो ऑलरेडी लिस्टेड है, क्या हालचाल, रिजल्ट्स आ रहे हैं सबके, एनुअल परफॉर्मेंसेज आ रही होंगी, क्या अपडेट्स हैं इस हफ्ते के? डेफिनेटली 4 कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा। एक तो SS इंफ्रा डेवलपमेंट, मार्जिन्स कमजोर रहे हैं या गिरावट हुई है लेकिन मुनाफे में करीब 37% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन, इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतर है, मुनाफे में 60% का जंप और मार्जिन से उसमें 7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आज वैसे भी लॉजिस्टिक्स कंपनी काफ़ी फोकस में है, इस कंपनी के नतीजे देखिए वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ कंपनी का EBITDA तो 10 गुना हो गया है, EBITDA मार्जिन भी अच्छे खासी बढ़ोतरी देखने मिले, वहाँ पे 4.5% से बढ़ के ये 46% पे आ गए, यानी यहाँ भी 10 गुना का जंप देखने मिला है। वहीं जोडियक एनर्जी, इस कंपनी के भी नतीजे अच्छे रहे हैं, EBITDA मार्जिन पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है और मुनाफा देखिए वहाँ करीब 700% के आसपास का जंप आया है।